जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सेंगर को भाजपा द्वारा दिया गया टिकट वापस ले लिया गया है। ये फैसला देश की राजनीति में आगे बढ़ती महिलाओं को पीछे ढकेलने वाला है, क्योंकि शायद अब कोई भी महिला चुनाव में खड़े होने की हिम्मत इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि वो एक महिला है। मेरा नाम क्या है शायद इससे अब फर्क ही नहीं पड़ता। 3 साल से मेरे परिवार के साथ अन्याय पर अन्याय किया, मुझे और मेरी माँ को सम्मान से जीने का हक नहीं है। सबसे पहले संगीता सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया ये वीडियो देखिए। साथ ही उनके भाई अतरंजय सिंह गोल्डी राजा और उनके भाई अमन सिंह सेंगर के द्वारा पोस्ट किया गया ये वीडियो ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम क्या है शायद इससे अब फर्क ही नहीं पड़ता, बट मेरा सरनेम सेंगर है। पिछले 3 साल से मेरे परिवार के साथ अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है। मेरी माँ संगीता सिंह सेंगर पिछले 15 वर्षों से उन्नाव में जिला पंचायत सदस्य हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना हर दायित्व निभाती आ रही हैं। इसी कारण सभी सदस्यों के द्वारा उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना गया। आज एक महिला नेता की योग्यता, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेहनत हर चीज को ताक पर रख दिया गया। इस देश में हमने औरतों के लिए रिजर्वेशंस तो कर दिए गए हैं, बट जब वो चुनाव के लिए आगे आती हैं, तो उनके पति, उनके पिता कौन हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्या एक औरत की योग्यता किसी की बीवी, बहन या बेटी होने से कम हो जाती है? उसकी खुद की कोई पहचान नहीं। मैं आपसे बस मेरी माँ की गलती पूछना चाहती हूँ, वो दागी कैसे है? क्या मुझे और मेरी माँ को सम्मान से जीने का हक नहीं है? आज बोल रही हूँ क्योंकि एक बार अन्याय को चुपचाप फिर से सह लिया तो शायद जमीर जिंदा रहना ना गवारा करे। ये वीडियो एक बेटी ने अपनी माँ के समर्थन में नहीं बल्कि एक औरत ने एक अन्याय पीड़ित दूसरी महिला के समर्थन में बनाया है। ऐश्वर्या का दर्द उनके चेहरे से झलक रहा है और वो सवाल कर रही है कि इस देश के कुछ लोगों की उस मानसिकता से जो औरतों को उनके पतियों के साए तले देखना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो राजनीति को महिलाओं के लिए कीचड़ समझते हैं। दरअसल संगीता सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्हीं की पार्टी में फूट पड़ गई थी, जिसे देखते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया कि संगीता सिंह सेंगर का टिकट वापस ले लिया गया है। वीडियो में बेटी ऐश्वर्या सेंगर एक ऐसा सवाल उठा रही है जो महिला अधिकारों की बात करने वाली महिलाओं को उठाना चाहिए था। क्या एक औरत की योग्यता किसी की बीवी, बहन या बेटी होने से कम हो जाती है? उसकी खुद की कोई पहचान नहीं। कि आखिर आज देश में महिलाओं को आरक्षण का अमली जामा तो पहना दिया गया है, लेकिन जब महिला राजनीति में उतरने की सोचती है तो उससे पहले ही उसकी रूह कांप जाती है उन सवालों से जो आगे उससे पूछे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को पार्टी की ओर से घोषित उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवार की सूची में संगीता सेंगर को वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से उम्मीदवार घोषित किया गया था।